ओम शम शनिश्चराय नमः। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आज शनि अमावस है। शनि को पसंद करने का एक अच्छा दिन है आज। शनि जिसका नाम सुनते ही सब लोगों को डर और भय लगना शुरू हो जाता है। हालांकि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि एक न्यायप्रिय प्लैनेट है जो कर्मों के हिसाब से इंसान को उसी के हिसाब से फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको मिलेगा भी अधिकता में, यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आपको दंड भी अधिकता में मिलेगा। जब शनि के डिफरेंट प्लैनेट के साथ के कंजंक्शन के महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा, सबदशा, सबसबदशा चलती हैं तो ऐसे में या फिर आपकी कुंडली में डिफरेंट तरीके के योग हो सकते हैं। जैसे शनि से रिलेटेड राहु का कंजंक्शन में श्रापित दोष हो जाए, शनि के साथ में केतु के कंजंक्शन के साथ में प्रेत योग आ जाए, तो इस तरीके के जब योग बनते हैं या फिर शनि के साथ में मून के कंजंक्शन का विष योग आ जाए, तो जब ये कंजंक्शन बनते हैं तो ऐसे टाइम में इंसान को सफ़र करने की ज़रूरत होती है और सफ़र करता है। तो ऐसे टाइम में शनि अमावस्या एक ऐसा दिन है, यदि आप शनि को पसंद कर सकते हैं तो शनि के इन प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से जो नेगेटिव आपके हमारे इम्पैक्ट आते हैं वो आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उनको धीरे धीरे ख़त्म भी कर सकते हैं। आपको करना बहुत सिंपल सी दो चीज़ें हैं। शनि के दिन, शनिवार के दिन, आज के दिन आपको छायादान करना। छायादान का मतलब है लोहे के पात्र में काला कपड़ा, उसके अंदर 5 अनाज, 1 रुपये का सिक्का, उसके अंदर काले तिल, उसके अंदर 7 काली कीले, सरसों का तेल भर के आपको अपना चेहरा देखना है, सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः मंत्र के साथ ऐसा आपको 9 बार करना है। ये करके शनि की मूर्ति के पास रख देना है। यदि आपके पास तेल है तो तेल चढ़ाते हुए गुड़ का भोग लगाते हुए शनि को, और इसके बाद आपको आरती करनी है, दीपक जलाना है जो दीपदान कहलाता है। बाहर आने के बाद कुछ कोढ़ी लोगों को आपको मीठा और पूरियां खिलानी है। ये करने से शनि महाराज और राहु महाराज प्रसन्न होते हैं जो मेजरली इंसान को भ्रमित करते हैं या फिर दंड देते हैं। तो ऐसे केस में यदि आप ये उपाय रेगुलरली करते हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्ति के योग बनते हैं, भाग्य में तरक्की के योग बनते हैं। आशा करता हूँ आपने पिछले सप्ताह मेरे बताए हुए उपायों को फॉलो किया होगा, आपका समय अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह आप लोगों के डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ दशा है 6 मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। आर्थिक पक्ष से सप्ताह काफ़ी मजबूत रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में हालांकि आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की जरूरत भी पड़ेगी। सहकर्मियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह छात्र पढ़ाई में उम्दा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंधों के हिसाब से भी समय अनुकूल रहेगा। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमियों को एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रागृता आएगी। परिवार में भरपूर सहयोग मिलेगा। घर में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। किसी मेहमान के आने की संभावना है या फिर आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या यात्रा पर भी जा सकते हैं। सेहत से रिलेटेड यदि कोई समस्या चली आ रही है तो इस सप्ताह समाप्त होगी, सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। तो देखा जाए सप्ताह अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि काली चींटियों को चीनी खिलाएं। महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय किसी भी 10 वर्ष की आयु से कम आयु की कन्या के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। धुले हुए कपड़े पहने, रात के पहने हुए कपड़ों को दोबारा सुबह रिपीट ना करें। काले रंग की गाय की सेवा करना और दही से स्नान करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। सहन सौफ खांड आदि का दान करना मंदिर में आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जीवन संगनी का सम्मान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। माता को खीर का भोग लगाना लाभप्रद रहेगा। कुछ लोगों की सेवा करना, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। ये जो कुछ उपाय मैंने बताया यदि इस राशि के जातक करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। तो ये थे कुछ उपाय जो मैंने बताए डिफरेंट राशि के जातकों के लिए, जो आने वाले सप्ताह में आप करेंगे तो आपके लिए सप्ताह एक अनुकूल सप्ताह साबित हो सकता है। कुछ चीज़ें जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको, माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्ग लोगों का आपका ध्यान रखना, झूठ ना बोलना, अपने जीवन में सदाचार को फॉलो करना, जो नॉनवेज अल्कोहल जो भी इंसान को हिंसा की तरफ भड़काते हैं और जो माइंड से सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करते हैं, इन चीज़ों का आपको परहेज करना। आपको अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना है। स्पिरिचुअल बनेंगे आपके थॉट प्रोसेस अलाइन होंगे। जब थॉट प्रोसेस अलाइन होंगे तो जो बॉडी की कार्मिक एनर्जीज और जो एनवायरमेंटल कार्मिक एनर्जी हैं इनके बीच का स्पंदन यदि सामंजस्य बढ़ता है तो आप हमेशा पीस की स्थिति में रहेंगे। समय अच्छा बुरा कैसा भी रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही एक मेन चीज़ है जो इंसान को समझने की ज़रूरत है। अपने कर्मों से आप अपने भाग्य जो ग्रहों ने लिखे हैं आपके जन्म से पूर्व के कर्मों की वजह से,
वो आप सुधार सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहे, मैं महागुरु गौरव नमस्कार।